नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान सुफलाम क्लासेज जयपुर से। मित्रों, संज्ञा प्रकरण में आज हम अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र है, सुप तिंग अंतम पदम। सूत्र क्या है? सुप पे आधा है ये, सुप तिंग अंतम पदम। अब मित्रों, सुनने में आया है कि कहीं हिंदी में बुकों में ये लिखा है कि हिंदी में जिसे शब्द कहते हैं संस्कृत में उसे पद कहते हैं। ये धारणा गलत है। आइए आज हम ये भी देखेंगे कि पद संस्कृत में किसको कहा। सूत्र है सुप तिंग अंतम पदम, और इसको तोड़ा जाए तो सुबंत तिगंत से पद संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द कैसा पद संज्ञा होगी, कब होगी वो देखेंगे। वृत्ति देखी हमने, सुबंतम सुबंत तिगंतम से पद संज्ञा शब्द। अब इसको खुलासा करते हैं। ये तो ये कह के चला गया कि सुप एवं तिंग प्रत्यय होने पर पद संज्ञा होगी, पद संज्ञा होगी, किंतु कब होगी कैसे होगी वो देखा जाए। मित्रों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो शब्द है हिंदी में, शब्द के बाद सुबंत प्रत्यय जुड़ते हैं। सुबंत प्रत्यय जुड़ते हैं, सुबंत प्रत्यय जुड़ते हैं, सुबंत प्रत्यय इसको मैं तोड़ू तो सुप प्लस अंत, सुबंत को तोड़ा हमने। अब प्रश्न आया कि सुबंत प्रत्यय आपने जो लिखा है, सुबंत प्रत्यय एक विंशति कितने होते हैं? 21 होते हैं, और उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं। ये 21 22 का वहां चार ऑप्शन में हमेशा गड़बड़ करता है। ध्यान रखिएगा, सुबंत 21 होते हैं, ना कि उपसर्ग 21 होते हैं, उपसर्ग 22 होते हैं, द्वाविंशति। अब प्रश्न है कि ये 21 बढ़े कैसे? तो मित्रों, कारक जो विभक्ति है संस्कृत में वो सात होती है, अर्थात सप्त, और वचन जो है वो होते हैं तीन। तो 21। अब हम वहां लेके चले, देखते हैं आपके पास क्या थी कारक विभक्ति, और क्या थी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी षष्ठी और सप्तमी। इस प्रकार से विभक्ति सात का संबोधन संस्कृत में हमेशा प्रथमा में ही गिना जाता है, क्योंकि संबोधन कर्ता को किया जाता है। आप जरा सा यहां देखें, अब ये कह क्या रहा है, सु से स्टार्ट करो और फ पे रुक जाओ। सु
औ जस अम आउट सस टा भ्यां विस णि भ्यां भ्यस रणसि भ्यां भ्यस अनस ओस आम और हनी ओस सुप लीजिए था सुप शुरू किया था पहले ये 21 क्या कहलाते हैं सुबंत प्रत्यय कहलाते हैं कहां जुड़ते हैं ये शब्दों के बाद में फिर से देखते हैं एक बार क्योंकि आगे हम चलेंगे तो हमें दिगंत भी लिखने होंगे तो शब्दों के बाद जो प्रयुक्त हुए वो सुबंत तो फिर वो बन क्या जाए देखते हैं हम एक बार आपने हिंदी में देखिएगा ये क्या है ये शब्द है ठीक और सु क्या है प्रत्यय अच्छा अब इससे जो बनने वाला है वो क्या बनता है राम है तो ये क्या है ये पद है तो अब ध्यान रखें कि हिंदी में तो राम शब्द है लेकिन संस्कृत में क्या बनता है राम है क्यों ऐसा क्यों क्योंकि यहां किसका प्रयोग हो गया है सुबंत प्रत्यय का और सु का यहां विसर्ग हो रहा है तो ये पद कहना है तो इसे क्लियर होता है कि शब्दों के बाद में यदि सुबंत प्रत्यय लगे तो वो क्या बन जाते हैं पद बन जाते हैं ऐसा क्यों कहा प्रश्न तो है ऐसा आपने क्यों कहा आइए देखते हैं कैसे प्रश्न एग्जामिनर का प्रश्न कैसे हो सकता है देखते हैं पद संग 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 का है वर्तते लो एग्जामिनर का प्रश्न था और एक प्रश्न यहां रख दिया नंबर एक रखा उसने हरि एक रखा उसने गुरु एक रखा उसने राम और एक तरफ रखा उसने गोपाल चार शब्द दिए एक हरि गुरु गोपाल राम वो पूछ कह रहा है पद संज्ञक जिस किसकी पद संज्ञा बोली है हरि शब्द पुल्लिंग है गुरु शब्द पुल्लिंग है गोपाल शब्द पुल्लिंग है राम शब्द पुल्लिंग है लेकिन पद ये कब बनेगा हरि शब्द कब बने ये तो शब्द है पद संज्ञा तो हुई नहीं यदि इसकी हुई होती तो क्या होता ये विसर्ग लगा हुआ होता है इसके नहीं है इसलिए ये पद संज्ञा नहीं है जब तक विसर्ग नहीं लगेगी विसर्ग लगने के साथ में ये पद संज्ञा कौन कहलाएगा गुरु ये भी गुरु ये भी क्या है जो है शब्द है यदि ये पद संज्ञा होती इसकी तो इसमें भी क्या लगते हैं विसर्ग गोपाल है गोपाल के भी विसर्ग लगते हैं तब ये कहलाता यहां देखिए किसके लगे हुए ये लो साहब सीधा सीधा यही स्थिति हम आगे किसमें देखेंगे शब्द उसमें धातुओं में यानी तिगंत प्रत्यय में अब अगला प्रश्न आया तिगंत प्रत्यय क्या होते हैं कहा धातु या क्रिया के बाद जुड़ते हैं यानी प्रयोग में नहीं लिया जाता है जबरदस्ती जुड़ते नहीं तो प्रयोग में लिया जाता है उनको और होता क्या है बनता क्या उनसे क्रियापद बनता है क्रियापद बनते हैं क्यों क्रियापद क्यों इसी को ही हम और क्या कह सकते हैं धातु पद बनते हैं तो प्रश्न आता है तिगंत प्रत्यय कितने होते हैं तो पहले यह जानना होगा कि धातु या क्रिया के भेद कितने हैं का साहब एक तो परस्मैपदी धातु होती है और एक आत्मनेपदी होती है
और मित्रों इनमें से कुछ परस्मैपदी धातुओं में और आत्मनेपदी धातुओं में से कुछ धातुएं ऐसी हैं जो दोनों में ही चलती हैं, इसलिए उभयपदी धातु। तो कहा था मुख्य रूप से तो दो रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन होती है तीन प्रकार की हैं। हमारा रिट है, हमारा टेट है, या हमारा सेकंड ग्रेड है, या पीजीटी है, वहां तक तो ये दोनों में ही मिक्स करके चलते हैं। लेकिन जब हाई एजुकेशन शुरू होती है, नेट, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, वहां पर वो तीसरा भेद भी सामने आता है। तो वहां हमें ये समस्या कई बार खड़ी हो जाती है कि अब क्या करें। तो कहा साहब इस प्रकार से, अब कहा परस्मैपदी धातु में तिगंत प्रत्यय कितने हैं। तो पहले तो हम ये बात कर लें कि तिगंत प्रत्यय 18 होते हैं, अष्टादश। अब देखते हैं परस्मैपदी प्रत्यय कितने हैं। कसम 9 है, क्योंकि पुरुष 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं, बहुवचन। हम चल रहे हैं सुबंध पद पद बनाने में। कहा साहब प्रथम पुरुष जिसे परीक्षक कई बार अन्य पुरुष नाम देकर के भी लिख देता है संस्कृत के पेपर में। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। अच्छा अब हम बात करें, हम अंग्रेजी में थोड़ा बहुत जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसा कुछ हम अंग्रेजी में याद करते हैं। यहां देखते हैं कौन है फर्स्ट पर्सन, कौन सेकंड और कौन थर्ड। याद रखिएगा प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट या किसी का नाम, यानी से, सा, तत या किसी का नाम। इसमें मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन ही होता है, अंग्रेजी में भी सेकंड, यहां भी सेकंड। और उत्तम पुरुष संस्कृत में जो है फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यानी स्वयं के विषय में कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में तिगंत प्रत्यय को यदि मैं तोड़ू इस शब्द को, तो मेरे पास में शब्द आता है ती से शुरू करो, उंगर पे खत्म करना होगा, तो तिप तस जी सिप थस थे मिप वस मस। नहीं आया अभी तक, ना नहीं आया है, हम आगे देखें। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी प्रत्यय की बात करें, ये भी 9 होते हैं, पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, इसे अन्य पुरुष भी कहा गया, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। यहां ते, आता, झे, थास, आथान, ध्वम, इट, वहिंग, महिंग। देखिएगा कहां शुरू किया था, ती से खत्म हुआ अंगा पे तिंग प्रत्यय, और 9 × 18, ये 18 क्या है, तिगंत प्रत्यय है। अब आया बात की कैसे, कहां, कब। मित्र धातु यहां ले लें हम, पट धातु है, पट धातु है, इसे क्रिया भी कह सकते हैं, और आपने इसके एक प्रत्यय जोड़ा है तिप। अब तिप जोड़ा तो ये तो क्या है, धातु या क्रिया, और ये क्या है, प्रत्यय। तो ऐसी स्थिति में जब इसे मिलाया गया, हम यूं लिख देते हैं डायरेक्टली, हमें अच्छी तरह पता है यहाँ कर्तरी सबसे पहले सब होगा, सब में से ए बचेगा, ए इसमें मिलेगा, तब कर्तरी बनता है। अच्छा, हम याद समझने के लिए सबसे पहले इसे ध्यान रखें
कि यहां ये धातु है और ये यहां रहते हैं, हमने पश्ती बनाया, तो ये क्या कहलाएगा? क्रियापद या धातु पद कहलाएगा। ध्यान रखो, जबकि राम है क्या कहलाया था? पद कहलाएगा, शब्द पद। और इस प्रकार से सुबंध प्रत्यय और तिगंध प्रत्यय, सुबंध प्रत्यय शब्दों के बाद जुड़ेंगे तो जो बनने वाला है वो पद संज्ञा होगी, और तिगंध प्रत्यय क्रियाओं के बाद जुड़ेंगे तो उनकी भी पद संज्ञा ही होगी, अन्यथा और कोई संज्ञा नहीं होगी। चलिए देखते हैं। प्रश्न बना कि धातु पदम पद अस्ति, पदम अस्ति, ये दोस्तों, और पहला ही ऑप्शन रखा एग्जामिनर ने छोटा सा लिख, दूसरा रख दिया हन, तीसरा रख दिया उन्होंने भवती, चौथा रख दिया खाद, क्या पूछ रहा है? धातु पूछ रहा है कि धातु पद पूछ रहा है? एक दो तीन, ये तो तीनों धातुएं, पद कौन सा बड़ा है? भवती, क्योंकि भू धातु है और तिब प्रत्यय लग करके आपने क्या बनाया? भवती, तो इन दोनों से बनने वाला धातु पद हो गया। परीक्षक यहां तक पूछ लेता है कि पठती इत्यत्र संज्ञा भवती। लो अब यहां जरा ढंग से देखिएगा क्या बता रहे हैं हम चार ऑप्शन। पहले ही सबसे पहले बनाया उसने क्रियापद संज्ञा, पद संज्ञा, फिर कहा धातु संज्ञा, शब्द संज्ञा, सारी संज्ञा रहती, और हम तुरंत इस पर टिक मार देते हैं, हाँ क्रियापद संज्ञा नहीं होती है, संज्ञा क्या होती है? पद संज्ञा होती है। धातु से तो बना है लेकिन उसे संज्ञा क्या होगी और किस सूत्र से होगी? सुप्ति गंतम पदम से पटती में पद संज्ञा होगी। पाणिनि जी ने पद संज्ञा का सूत्र बनाया है। कर सब कोई धातु संज्ञा वाला भी है क्या? जी हाँ, अभी देखेंगे हम धातु संज्ञा का सूत्र कौन सा है। कासम ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना होगा कि सुबंध कितने हैं, तिगंध कितने हैं और पद संज्ञा कब होती है। यदि हमें ये ध्यान है तो ये जो सबसे अलग से होते हैं, सबसे इजी प्रश्न होते हैं, इनको करने में अधिकांश बच्चे गलत करते हैं और हमारे नंबर सबसे अधिक कम होंगे। देखिएगा आगे क्या करना है हमें। मित्रों अभी हमने 2 मिनट पहले ही देखा कि धातु संज्ञा का भी बीच में आया था कि पठती इत्यत्र संज्ञा का भवती, वहां क्रियापद संज्ञा, पद संज्ञा, धातु पद, तो धातु संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो उसका संज्ञा सूत्र है भुवादयो धातु। भुवादयो धातु है, धातु है, ये सूत्र क्या कह रहा है? कहना क्या चाहता है? ये कहता है क्रियावाची भू आदि, भू आदि जो धातु है उनकी धातु संज्ञा ही होगी। समझ में नहीं आया, समझाते हैं। भू, पठ, लिख, हंस, यानी इस प्रकार ये क्या हैं? सब धातुएं हैं। इनकी कौन सी संज्ञा होगी जिसकी वजह से आप इनके साथ में टिप लगा लेते हैं? तो कहा साहब ये सूत्र कहते हैं पहले धातु संज्ञा होगी और उसके बाद, और कब होगी? जब क्रिया पद वाले होंगे, क्रिया क्रिया वाले होंगे, तो यहां पर क्या होगा? वो आदि धातु संज्ञा होगी। फिर कहा शब्द आया सामने कि विराम, विराम अवसान, तो कहा विराम क्या होता है? रुकना, विराम लगा देना। अवसान का अर्थ भी रुकना है, पर संस्कृत में कहा है विराम और क्या, किसे कहूं मैं विराम, और कहां होगी विराम संज्ञा? तो ये कहता है वर्णानाम अभावे,
ढंग से देखें तोड़े इसे वर्णा नाम और अभावे अवसान संज्ञा कि जब आप वर्णों का अभाव हो जाए यानी कि नहीं हो आगे तो अंतिम वर्ण की विराम संज्ञा हो। कैसे? मेरे पास शब्द है बालक और ये लोग बालक हैं, आप यहीं रुक गए आगे नहीं बढ़े, तो ऐसी स्थिति में जो अंतिम जो वर्ण है वहां क्या होगी? अवसान संज्ञा हो। अवसान मतलब रुक जाओ। बालकः पुस्तकम् पठति, तो यहां जहां मैं रुका हूं बालकः, तो यहां क्या हो गई? अवसान संज्ञा हो गई। किससे? नहीं तो होगा क्या? बालकः बालक पुस्तक पढ़ती, बच्चा क्या करता है? बालक पुस्तक पढ़ती। हाँ, जो जहां कहा गया है वहां पर ही रुकना है। रुकना मतलब विराम, विराम बोले तो अवसान संज्ञा। तो यहां बालकः में कौन संज्ञा हो रही है? अवसान संज्ञा। अब प्रश्न ये उठता है कि रामः भी तो लिखा था आपने, तो यहां कौन सी संज्ञा थी? यहां भी तो विसर्ग लगे थे, तो फिर यहां संज्ञा आपने पद क्यों की? बालकः में भी तो विसर्ग है। कहा यहां पर ये कहा गया जब हम किसी सुबंध वृत्ति से बनाएंगे तब तो इसमें कौन संज्ञा? चार ऑप्शन देखने होंगे हमें, क्योंकि अवसान और पद संज्ञा दोनों एक साथ में नहीं रख सकता, क्योंकि रखते के साथ में इसकी अवसान संज्ञा भी हो रही है, विसर्ग लास्ट में यहां रुकना पड़ रहा है और यहां भी रुकना पड़ रहा है। तो कहा साहब यहां ऐसी स्थिति में कहा यहां रखिएगा जहां रुक गए आप, इसीलिए आपने याद कीजिएगा आपने कादयो मावसानाम स्पर्श। तो क्या कहना चाह रहा था वो सूत्र कि कैसे शुरू और मैं पर अवसान, अवसान मतलब रुक जाओ, तभी तो आपने कहा था कैसे लेकर मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। यहां भी कहा रुक गए आप वहां पर तो अवसान संज्ञा होगी। फिर एक नीचे सूत्र आता है विशेष रूप से जो बच्चे अव्यय और के भविष्य में पढ़ते हैं संस्कृत में, उनके की निपात वाला बड़ा समस्या खड़ी होती है। ये निपात दो सूत्र है कि निपात क्या है, तो यहां सूत्रों के माध्यम समझे उसे। ये कहता है च आदि असत्वे, इसका नीचे कह रहा है असत्वे, यहां नीचे दिखाया गया कि अद्रव्य अर्थ भाव जिसमें द्रव्य अर्थ नहीं हो और क्या हो च आदि में निपात संज्ञा होगी। यहां पर च अकेला है तो कहा साहब च की कौन सी संज्ञा करूं? तो कहा साहब निपात संज्ञा, और निपात संज्ञा आपने की है तो क्यों की है? च की ही क्यों की है? तो कहा साहब ये कह रहे हैं अद्रव्य अर्थ में यानी द्रव्यवाची अर्थ में नहीं होना चाहिए। फिर कहा साहब एक सूत्र और लिया, अब यहां पर बड़ा जबरदस्त काम हो गया। प्रादय, प्रादय तो प्र से प्र आदि, ये तो उपसर्ग है, तो देखिए इसको एक बार लिखें फिर देखेंगे हम, देखिएगा प्रादय और आप, और ये कहा गया कि इसकी भी निपात, ये सूत्र भी निपात संज्ञा करता है। तो प्रश्न ये आया फिर से कि आपने जो ये किया है, मान लीजिए प्र आदि जो किया है, ये प्र आदि तो उपसर्ग है, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आ नी अधि अभि अति अपि प्रति परि प्रति परि सु सु उप उद, अभी नहीं कई बार काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ये मेरे पास बाईस, ये सारे सारे तो उपसर्ग कहलाते हैं। अब तक यही सुनते आ रहे थे, यही समझते आ रहे थे।
कासम ऐसी स्थिति में ये शूद्र तो नहीं बात कर रहा है, और कई बार हम कहते भी हैं। और याद रखिएगा उपसर्ग क्रिया योगी शूद्र आता है, उपसर्ग क्रिया योगी यह उपसर्ग संज्ञा करता है। उपसर्ग संज्ञा का सूत्र कौन सा है? उपसर्ग क्रिया योग कुछ कह के गया वो क्रिया के योग में उपसर्ग का प्रयोग, और ये कहना है निपात तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं फिर समझा लेता हूं, जब हम बनाते हैं अभिभाव समास अधि हरि उदाहरण बनाते हैं, तो यहां ये अधि क्या है? अभिभाव समास में लिया आपने तो अधिहरि में पूरा पद ही क्या हो जाता है? अव्यय। तो अधि भी क्या होगा? उपसर्ग या अव्यय, और अव्यय और निपात की स्थिति एक जैसी चलती है। यहां कहा द्रव्य अद्रव्यवाची, इनका जब तक ये जुड़ ना जाए तब तक इनका खुद का अर्थ एक ही होता है, लेकिन जब क्रिया या शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि उपसर्ग क्रिया योग साफ शब्दों में कहा प्रहार संहार। देखिए अर्थ बदल रहे हैं, उसी प्रकार जैसे स्वागतम सुशोभते यहां अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थ बढ़ा रहे हैं, वहां उपसर्ग का सिस्टम यहां निपात का। तो कहा साहब उपसर्ग यानी कि निपात रूप में भी आते हैं अकेले? जी हाँ, इसलिए सूत्र बनाया गया एक कि अव्यय उपसर्ग और निपात इन तीनों का प्रयोग होता है। तो दरअसल ध्यान रखिएगा प्रादेय जो है इनकी निपात संज्ञा करता है, जबकि ये सूत्र इनकी उपसर्ग संज्ञा करता है। ध्यान रखना होगा उपसर्ग संज्ञा तो कौन सूत्र करेगा और निपात संज्ञा कौन सा करेगा? ज्यादा ही वैसा चे आदि की उपसर्ग संज्ञा करता है, जबकि प्रादेय जो है वो इनकी भी क्या करता है? निपात संज्ञा करता है। देखते हैं आगे अधीन गुण है, गुण संज्ञा से अब कहा गुण संज्ञा सूत्र की कहता क्या है ये देखें। अत एंग चे गुण संज्ञा शा क्या कहना चाह रहे हैं? माया सूत्र तो याद करना ही होगा हमें, नहीं तो किसी भी हालत में हम सूत्रों पर काम नहीं कर पाएंगे। तय की संज्ञा शेष बचा ए, एंग ए से लेकर ना तक एक और दो, एंग ए से लेकर ना तक तो आई ए और ओ, गुण संज्ञक किन वर्णों को कहा है? ए को आई ए को और ओ को, ये तीन गुण संज्ञक हैं। परीक्षक हमसे प्रश्न कैसे पूछेगा? देखो ढंग से, गुण संज्ञक वर्ण या स्वर नास्ति, और ऑप्शन नंबर एक ए आ ए या ओ, गुण संज्ञक वर्णास्ति नहीं है, ए है क्या, ए है क्या, ओ है क्या, तो कौन सा नहीं है? मैं आपको याद दिला दूं आद्गुण है सूत्र
संधि सूत्र है ना कि संज्ञा सूत्र है। आद गुण है, गुण संधि सूत्र है, जबकि अदेय गुण है। सूत्र क्या है? गुण संज्ञा सूत्र है। दूसरा सूत्र ले हम तो वृद्धि रादैच, वृद्धि संज्ञा सूत्र है। हम बात करें इस पर उदा अष्टाध्यायी का यह प्रथम सूत्र है। क्या कहना चाहता है? आत ऐच च वृद्धि संज्ञा शा। अर्थ समझते हैं। आत ऐच ऐच एक और दो, ऐ और औ वृद्धि संज्ञक हैं, यानी कि वृद्धि संज्ञक तीन ही स्वर, गुण तीन। अब जरा सा इसका वही प्रश्न जो ऊपर बनाया था हमने, वृद्धि संज्ञक वर्ण वर्तते अस्ति जो भी लगा है, और चार ऑप्शन वो के वो रख गया है जो आपने ऊपर देख रखे हैं, कौन सा है? ए नहीं है संज्ञक, ए भी नहीं है और ओ भी नहीं है, तो फिर कौन सा है? आ। और यहीं पर इसको हटाया और नास्ति करके हाँ जी नास्ति, क्योंकि ये तीनों तो हैं। हमें ध्यान रखना होगा परीक्षक कैसे पूछ रहा है। हमें आता बहुत कुछ है, हमने 15 साल 16 साल 18 साल मेहनत की है, हमने संस्कृत को बहुत अच्छे से समझा है। याद कीजिएगा 10th क्लास में आपने कुछ विशेष मेहनत नहीं की थी, ना ही कोई ट्यूशंस पढ़ी थी संस्कृत की, एक बार ही समझा था, वो भी क्लास में समझाया था, संस्कृत के टीचर ने ढंग से समझाया था, और उसी की वजह से याद कीजिएगा। हो सकता है अन्य सब्जेक्टों में कोचिंग करने या ट्यूशन करने के बाद में भी अच्छे नंबर नहीं आए हों, लेकिन संस्कृत ने इज्जत बचा डाली थी और अधिकांश बच्चों ने की बहुत अच्छे नंबर थे। और इसीलिए कहा संस्कृत को एक बार यदि ढंग से समझ में आ जाए तो वहाँ हमारा सिलेक्शन भी निश्चित है, हमें कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, बस हमारा ध्यान जो है वो भटकना नहीं चाहिए। होता अक्सर क्या है कि प्रश्न हम ढंग से पढ़ते ही नहीं, उससे पहले आंसर पे जाते, यहाँ नास्ति पूछा है क्या, और हम अस्ति पे पहुंच जाते हैं, जबकि यहाँ नहीं है भाई, ऐ नहीं है वृद्धि संज्ञक। और ऐसी स्थिति में ये दो सूत्र और हुए, एक गुण संज्ञा और एक वृद्धि। चलिए आगे देखते हैं। तो कहा उपदेशे अजनु नासिक इत, यह इत संज्ञा सूत्र है। इत संज्ञा सूत्र है, क्या कहता है ये वो देखें। ये कहता है उपदेशे अच अनुनासिक इत संज्ञा शात, आइए जरा से देखते हैं ये सूत्र कहना क्या चाह रहा है और हम क्यों परेशान हो रहे हैं। का सब ऐसी स्थिति में हमें देखने के लिए चाहिएगा कि उपदेशे, ये उपदेशे क्या है। का सब उपदेशे का अर्थ है, उपदेशे कहा
उपदेश का अर्थ हुआ आद्योचारणम। आद्योचारणम का क्या अर्थ है? आदि यानी पहले जो उच्चारण किया गया उनके विषय में। बोले नहीं समझ में आया, देखते कहां सब पाणिनि आदि मुनियों ने जो मूल अवस्था वाले धातु प्रत्यय आगम आदेश के विषय में कहा है, आदेश के विषय में पहले जो कहा है, पहले जो कहा है उसमें क्या हो, पहले जो कहा उसे क्या कहा आपने, उपदेशे कहा। अब क्या कहा उपदेशे का मतलब हम समझ गए कि आद्योच्चारण पहले कहा किसके विषय में, अच अच बोले तो स्वर के विषय में, और किसके विषय में, अनुनासिक के विषय में जो कहा गया उनकी इत संज्ञा हो। तो हम शास्त्र से देखें अनुनासिक वर्णों की और स्वरों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, कहा उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये तो किसका था, स्वर का और अनुनासिक। अब आया दूसरा सूत्र, आता है हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र के बारे में भी आपने देखा पढ़ा, तो हम यहां देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कहता है उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञा से, उपदेशे जो पहले कहा गया अंत में अंतिम, हल मतलब आधे व्यंजन की क्या हो, इत संज्ञा हो। पहले यानी मूल अवस्था में जो वर्ण है, जो शब्द है, जो धातु है, उनके अंत में यदि हल वर्ण हो तो उनकी क्या हो, इत संज्ञा हो। तो सबसे पहले तो हम बात करें, हमारा माहेश्वरी सूत्र भी आदि में ही लिखा गया और वहां पर हमारे पास ए ई ऊ ण, तो ण की संज्ञा, री री क, के की संज्ञा, ए ओंग, ङ की संज्ञा, ऐ औ च, च की संज्ञा, और इसी तरह है ये वह रे टे, टे की संज्ञा, लण लै की संज्ञा, ण की संज्ञा, और उसी प्रकार जो अंतिम वर्ण है, जो हल है, इन हल वर्णों की इत संज्ञा कौन करेगा, कैसा हलंत्यम सूत्र करेगा। ये तो हुआ माहेश सूत्र की बात। अब मूल अवस्था वाले धातुओं की और प्रत्ययों की बात कर ले। मेरे पास है डू क्रीम। हम मित्रों ध्यान कीजिएगा, क्री धातु बनाते हैं कि क्री धातु, उसकी मूल अवस्था क्या है, डू क्रीम, और डोक्रिय में यह है कि लास्ट वाला, इसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होगी, कसम हलंत्यम सूत्र से होगी। कसम इसी प्रकार डू पचस है जिसे हम पच बनाते हैं, पच धातु निकालते हैं इसमें से, इससे की इत संज्ञा किससे करूं, अंतिम है क्या। कसम इसी प्रकार मेरे पास डबलच करते हैं, डबलच प्रत्यय में चह की इत संज्ञा किससे करूं, तो कहा मुझे हलंत्यम सूत्र से करनी होगी। कहा सा मेरे पास में सब प्रत्यय है, इसकी इत संज्ञा किससे करूं, यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय में तय की संज्ञा किससे करूं। कहा सा इनको यूं ही डायरेक्ट संस्कृत में हटाया नहीं जा सकता है, कई बार हम हिंदी वाले रूल अपना लेते हैं, हिंदी भाषा एक अलग है, संस्कृत भाषा एक अलग है, कई बार हम दोनों को एक जैसा ही समझ करके काम करते हैं और हिंदी में गलत कर जाते हैं और संस्कृत में गलत कर जाते हैं, और यही कारण है कि हम कई बार गलती भी कर लेते हैं। हम संस्कृत को क्यों लेते हैं, पढ़ते क्यों हैं उसे, क्योंकि 10th क्लास में अच्छे नंबर आए थे, नंबर एक मेन कारण,
नंबर दूसरा, कई बार हम ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, संस्कृत ले लो, यूं ही काम चल जाएगा, चल तो यूं ही जाता है, मगर बस एक बार नियम समझ में आना चाहिए फिर आपके सामने। कहते हैं संस्कृत जिस बच्चे की अच्छी होती है उसकी मैथ साइंस भी अच्छी होती है, उसकी इंग्लिश में पकड़ होती है, लेकिन जिस बच्चे की संस्कृत में ही वो ये सोचता है केवल कि राम के आगे विसर लगा दूंगा और संस्कृत का बन गया, ये सोचता है तो हिंदी में भी उसकी गड़बड़ है। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात हो जाती है, आंगल भाषा, और मैथ साइंस तो बड़ा डरता है बच्चा, क्योंकि संस्कृत एकाग्रता देती है कि कहां हलंत है, कहां विसर्ग है, कहां पर कैसे बनेगा, रूल कौन सा है, आगे बढ़े हम तो। यहां डूपचस का देखा या और देखे, क्या प्रत्यय था, तय की संज्ञा कौन करेगा, कहां सब छोटे छोटे प्रश्न है, घाये हैं, इसकी संज्ञा कौन करेगा, तो धातु प्रत्यय संघ में आए। अब करते हैं आगम और आदेश की बात, तो हमारे पास तुक आगम, युक आगम, तो इन कैकी इस कैकी इस संज्ञा कौन करेगा, का सर ये तो हलंतम काम करेगा। हलंतम सूत्र जो है वो अंतिम वर्ण की, हल वर्ण की इस संज्ञा करता है, ना तो आगे वाले की ना बीच वाले की, ये हमेशा अंतिम की करता है, वो भी व्यंजन क्या हो, हल हो, यदि स्वर हो तो उसमें नहीं करेगा, किसी हालत में भी नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं, मेरे हाथ में अदर्शनम लोप है, यह लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, सारे ही लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, सभी विधायक मतलब विधान करने वाले, इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो, लोप संज्ञा सूत्र भी इसी को कहेंगे और लोप विधायक संज्ञा सूत्र भी इसी को ही कहेंगे। ये कहना क्या चाहता है, इसके नीचे सूत्र के नीचे पाणिनि जी ने कुछ यूं लिखा है, अदर्शनम अदर्शनम लोप है संज्ञा शु, ऐसा कुछ लिखा। इसे और समझने के लिए परीक्षक ने क्या दिया, वर्णानाम अदर्शनम लोप है संज्ञा श, और एक परीक्षक ने प्रश्न क्या बनाया, वर्णानाम दर्शनम कै संज्ञा भवति, और प्रश्न नंबर एक रखा गया संयोग संहिता लोप है, और संहिता कुछ दिक्कत आई आपको, जिसे कहते हैं रट्टा मारना, कई बार बहुत नुकसानदायक हो जाता है हमारे लिए, विशेषकर संस्कृत में। आपने इसकी वृत्ति याद करते समय कुछ याद किया था, वर्णानाम अतिशय सन्निधि, वर्णानाम हमने याद क्या कर लिया, वर्णानाम आवे तो आंसर ही कर देना, यहां भी तो वर्णानाम ही आए। वो कह रहे हैं वर्णानाम अदर्शनम कै लोप संज्ञा, क्या सब अदर्शन मतलब अदर्शन का तात्पर्य क्या है आपका, वो बात करें। आपने अभी कुछ समय पूर्व इत संज्ञा किया था, जब इत संज्ञा इस सह की हो गई है तो मेरे पास में ये बचना चाहिए था, लेकिन इत संज्ञा होने से ही काम नहीं चलेगा, इसे हटाने के लिए भी सूत्र आएगा तस्य लोपे, लेकिन तस्य लोपे आने से पहले उस लोप संज्ञा का सूत्र भी प्रयोग में आएगा कि ये अब दिखाई दे रहा है सुनाई ना दे, यहां भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि वही वाली स्थिति। मैंने कहा क्लास के भाग का
अब मेरा तो आदेश हो गया, लेकिन उस तक हवा पहुंची और वो उठ के जब तक नहीं गया तब तक वहां पर उसका लोप नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में लोप नहीं होगा, सूत्र लाना पड़ा। आइएगा लोप को और समझे ढंग से। प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा था, व्याकरण लोपस्य तात्पर्यम किम? नंबर एक विस्मरणम, नंबर दो स्मरणम, नंबर तीन दर्शनम, और नंबर चार दिखाया अदर्शनम। लोपस्य तात्पर्यम अदर्शनम, इसीलिए सूत्र कहा गया अदर्शनम लोप है। कहा सर जब तक आप उसका लोप करने के लिए, लोप के लिए भी आपको एक संज्ञा सूत्र लाना होगा पहले, फिर आप तस्य लोप से आप लोप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, लोप संज्ञा करनी होगी। लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है? अदर्शनम लोप है। चलिए आगे देखते हैं। अब आया एक अगला सूत्र है अचो अंत्यादि टी, कसब टी संज्ञा हो। ये सूत्र टी संज्ञा किसकी कर रहा है वो देखते हैं, क्या करता है ये? अचाम अचो के मध्य बीच में यह जो अंतिम वह आदि यस्य जिसके प्रारंभ में जिसके तत् वह टी संज्ञा, इसे समझते हैं। ये सूत्र कहता है कि स्वर हो किसी पद में और उसके आदि में स्वर हो और मध्य में भी जो स्वर है तो उसका जो अंतिम जो स्वर है उसकी टी संज्ञा हो। का सब ऐसा कुछ शब्द है हमारे पास? चलिए दे रहा ए यहां भी है, मैं भी यहां भी ए है और यहां से है, तो इसकी इस ए की होगी कि इस ए की? ये कह रहा है स्वरों की संज्ञा लेकिन मध्य में जो है उसकी। आइए ना, तो यहां पर मैं इसे तोड़ लू, ये जो अंतिम क्या कह रहे हैं अंतिम की हो, तो पहला स्वर तो ये रहा दूसरा स्वर ये रहा, तो इसकी संज्ञा के लिए कह रहे हैं। अब इसकी संज्ञा के लिए कह रहे हैं तो ये आधा व्यंजन भी इस पे ही टिका हुआ है, और ऐसी स्थिति में जब इसकी टी संज्ञा होगी इस ए की तो ये सह भी जाएगा। और बनाऊंगा क्या मनीषा, और देखते हैं। अंतिम स्वर है इसमें तो टी संज्ञा हुई तय है पे टिका हुआ था, आधा हो गया संज्ञा हुई है केवल लोप नहीं हुआ, लोप तो उसी सूत्र से होगा। कहा सर ऐसी स्थिति में अब क्या करूं? पतंजलि कहा सर थोड़ा सा यदि हम ध्यान रखें, कई बार हम मनीषा को व्यंजन संधि में कराते हैं, मनीषा शब्द व्यंजन में नहीं स्वर में बनता है, पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद स्वर संधि में बनता है ना कि व्यंजन संधि में। और ऐसी स्थिति में मेरे पास है सक प्लस अंधु, याद कीजिएगा सकंदवादीशु पर रूपम वाच्यम एक वार्तिक थी जिसमें पर रूप संधि हो रही थी, यहां देखते हैं क्या हो रहा है। सहमे हैं कहमे हैं, अब इस ए और ए को मिलाओ तो आ बन जाता है, दीर्घ संधि हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये वार्ता कहती है जब कह की डी संज्ञा होगी तो वो क्या बन जाएगा? सकंद सकंद।
और सकंदु बन गया तो कर्क से क्या बनेगा? अंधु से करकंदु। लेकिन पहले क्या हो रही है? टी संज्ञा। सबसे पहले टी संज्ञा होगी, फिर से ध्यान रखिएगा, अचों के मध्य जो अंतिम है अच है उसकी क्या होगी? टी संज्ञा। और टी संज्ञा होने पर जो अंतिम जो स्वर था उसकी टी संज्ञा हो गई। टी संज्ञा होगी तो क्या मिल गया? ईसा इसमें क्या बनेगा? मनीषा। चलिए अगला एक सूत्र है गतिश्च। च लगाया है गतिश्च। और याद कीजिएगा आपने एक प्रादेय सूत्र से निपात संज्ञा की थी और उपसर्ग क्रिया योग्य सूत्र से उपसर्ग संज्ञा की थी। ये कहता है गतिश्च गति संज्ञा सूत्र है। कसम ऐसे कैसे गति संज्ञा सूत्र है? कोई उदाहरण होना चाहिए हमारे हाथ में, समास में उदाहरण है हमारे। तो कैसा ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये जानना है कि गतिश्च सूत्र क्या कर रहा है। ये गति संज्ञा करता है। कब करता है? जब क्रिया के योग में प्रादेय क्रिया योग में उपसर्ग गतिश्च शु। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब एक सूत्र फिर से है, विभाषा संज्ञा का सूत्र है। ने नहीं वा इति विभाषा। कसम जब निषेध अर्थ हो या विकल्प अर्थ हो तो ऐसी स्थिति में कौन सी संज्ञा होगी? विभाषा संज्ञा होगी। कसम विभाषा संज्ञा, विभाषा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की, एक प्राप्त, एक अप्राप्त और एक उभयत्र। और ये उभयत्र के लिए कहा है न वेति विभाषा। का साहब जब निषेध अर्थ में या विकल्प अर्थ में बात कर रहे हो वहां पर क्या होगी संज्ञा? वा, जहां भी वा लगा। क्योंकि कई बार हमारे समझ में ये नहीं आता कि ये दो रूप बने कैसे, एक विकल्प से है एक बिना विकल्प के है। तो विकल्प से हुआ है जहां तो वहां पहले संज्ञा क्या होगी? कैसा वहां होगी? कहा कैसे? मेरे पास उदाहरण है, ये वाला नहीं उदाहरण बोलेंगे, एक है जगन्नाथ और एक है जगत जगन्नाथ। सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। अब ये वाक जो कहा है तो क्या दोनों रूप बनेंगे क्या? वाह कहा विकल्प से, तो विकल्प से जहां बन रहा है वहां तो क्या बन रहा है? जगन्नाथ। और जहां विकल्प नहीं है वहां क्या बन रहा है? जगन्नाथ। का ऐसा क्यों? क्योंकि यहां तो जसत संधि भी अपना काम कर रही है और यहां सीधा ही विकल्प से कौन सी कर रही है? अनुनासिक। क्या कहना चाह रहे हैं वो हम सूत्र में देखेंगे। कहता है बाद में कोई अनुनासिक वर्ण हो और पहले किसी वर्ग का तीसरा जो यर कहा है, कोई कहा यर वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में जगन्नाथ बनेगा। तो दोनों को बन रहे हैं क्या? जहां दोनों रूप बनते हैं वहां पर कौन संज्ञा होगी? विभाषा। न व इति विभाषा, निषेध और विकल्प अर्थ में क्या होगी? विभाषा संज्ञा। चलिए देखते हैं एक बार। दोस्तों आज हमने कुछ सूत्र देखे संज्ञा के, और मित्रों लगातार बच्चों के काफी आ रहे हैं, उनकी समस्याएं भी आ रही हैं, समस्याओं का निदान भी हो रहा है यूट्यूब पे ही। आप कुछ बच्चों ने भेजा है कि इन पॉइंटों के और बना के आप हमें भेजें। मित्रों जब तक आप अपनी जो पॉइंट है, जो आपके समस्यात्मक प्रश्न है या जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आप अपनी कंप्लेंट या फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे या फिर आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे मैं आपकी हेल्प कैसे कर पाऊँगा। नंबर एक आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बैल बजाओ। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है आप यूट्यूब पर मुझे लिख के भेजें।
कि साहब मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे किसी और जब पॉइंट शुरू हो तो मुझे ये समझाएं एक बार, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। हो सकता है एक बार यहाँ पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आया, उसे और विस्तार से समझना है, या फिर कोई पॉइंट है जैसे व्याकरण का है, साहित्य का है, शिक्षण विधि का है, या फिर कारक का है, समास का है, लिंग का है, धातु का, वेद का है, तो ऐसे जब तक आप मुझे नहीं भेजेंगे, काफी बच्चों ने भेजा है मुझे, लगातार मुझे बच्चे देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और मैं आपको से यही कहूंगा कि जब तक आप मुझे अपनी नहीं बताएंगे, भाई आपकी कौन सुनेगा, मैं सुनूंगा, क्योंकि संस्कृत में तो मैं ही सुनूंगा आपकी, या आपके जो अपने जो टीचर हैं वो सुनेंगे, लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं, हम यूं ही नहीं कह सकते कि गुरुजी तुम अंतर्यामी तुम सबके स्वामी, ये नहीं हो सकता। जब तक संस्कृत में बोला नहीं जाए तब तक ना तो वो ऊपर वाला सुनता है ना गुरुजी सुनता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लिख के भेजना होगा, मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे नंबर फिक्स है मेरा, आप आराम से कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट के हो, आप किसी